इस पवनोत्सव के विस्तार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं इस पवनोत्सव का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। प्रासाद के सम्मुख मंडप के नीचे मंडल में कलशों का न्यास करें। प्रारंभ काल में तथा संपूर्ण कर्मों को करते समय भगवान श्री हरि का ध्यान, पूजन और हवन करें। पूर्णाहुति के साथ 1000 या 100 आहुतियां दें। फिर स्नान द्रव्य को लाकर कलशों का विन्यास करें। कंठ सूत्र युक्त कुंभों का अधिवासन करके मंडल में रखें। चौकोर मंडल का निर्माण करके उसे 11 रेखाओं द्वारा विभाजित कर दें। फिर पार्श्व भाग की एक रेखा मिटा दें। इस तरह उस मंडल में चारों दिशाओं में 9-9 कोष्टकों की स्थापना आदि करके उनको पूर्व आदि के क्रम से शाली चूर्ण आदि से पूरित करें। फिर विद्वान मनुष्य कुंभ मुद्रा की रचना करके पूर्वादि दिशाओं में स्थित नवक में कलश लाकर रखे। पुंडरीकाक्ष मंत्र से उनमें दर्भ डाले। सर्व रत्न समन्वित जलपूर्ण कुंभ को मध्य में विन्यस्त करें। शेष 8 कुंभों में क्रमशः यव, व्रीही, तिल, निवार, श्यामाक, कुलत, मुद्ग और श्वेत सरषप डालकर 8 दिशाओं में स्थापित करें। पूर्व दिशावर्ती नवक में धृतपूर्ण कुंभ रखें। इसमें पलाश, अश्वस्थ, वट, विल्व, उदुम्बर, प्लक्ष, जम्बू, शमी तथा कपित वृक्ष की छाल का क्वाथ डाले। आग्नेय कोणवर्ती नवक में मधुपूर्ण घट का न्यास करें। इस कलश में गोश्रिंग, पर्वत, गंगाजल, गजशाला, तीर्थ, खेत और खलिहान, इन 8 स्थलों की मृतिका छोड़े। दक्षिण दिशावर्ती नवक में तिल तेल से परिपूर्ण घट स्थापित करें। उसमें क्रमशः नारंगी, जंबीरी, नींबू, खजूर, मृतिका, नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस कटहल का फल डाल दें। निर्मित कोणगत नवक में शीघ्र पूर्ण कलश रखें। उसमें कुमकुम, नागपुष्प, चंपक, मालती, मल्लिका, पुन्नाग, करवीर एवं कमल कुसुमों को प्रक्षिप्त करें। पश्चिमी नवक में नारिकेल जल से पूर्ण कलश में नदी, समुद्र, सरोवर, कूप, वर्षा, हिम, निर्झर तथा देव नदी का जल छोड़े। वायव्य कोणवर्ती नवक में कदली जल पूरित कुंभ रखें। उसमें सहदेवी, कुमारी, सिंह, व्याघ्री, अमृता, विष्णुपर्णी, दुर्वा, वच, इन दिव्य औषधियों को प्रक्षिप्त करें। पूर्वादि उत्तरवर्तीय नवक में दधि कलश का विन्यास करें। उसमें क्रमशः पत्र, इलायची, तज, कूट, सुगंध वाला, चंदनद्वय, लता, कस्तूरी, कृष्णागुरु तथा सिद्ध द्रव्य डाल दें। ईशानस्थ नवक में शांति जल से पूर्ण कुंभ रखें। उसमें क्रमशः शुभ्र, रजत, लौह, त्रिपु, कांस, सीसक तथा रत्न डालें। प्रतिमा को धृत का अभ्यंग तथा उद्धर्थन करके मूल मंत्र से स्नान करावे। फिर उसका गंधादि के द्वारा पूजन करें। अग्नि में होम करके पूर्णाहुति दे। संपूर्ण भूतों को बलि प्रदान करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा पूर्वक भोजन करावे। देवता और मुनि तथा बहुत से भोपाल भी भगवत द्वीप का अभिषेक करके ईश्वरत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार 1008 कलशों से स्वप्नोत्सव का अनुष्ठान करें। इसमें मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। यज्ञ के अवभृत स्नान में भी पूर्ण स्नान संपन्न हो जाता है। पार्वती तथा लक्ष्मी के विवाह आदि में भी स्वप्नोत्सव किया जाता है। वृक्षों की प्रतिष्ठा की विधि। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं वृक्ष प्रतिष्ठा का वर्णन करता हूँ, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। वृक्षों को सर्वौषधि जल से लिप्त, सुगंधित चूर्ण से विभूषित तथा मालाओं से अलंकृत करके वस्त्रों से आवेष्टित करें। सभी वृक्षों का सुवर्णमय सूची से कर्णवेधन तथा सुवर्णमय शलाका से अंजन करें। वेदिका पर 7 फल रखें। प्रत्येक वृक्ष का अधिवासन करें तथा कुंभ समर्पित करें। फिर इंद्र आदि दिक्पालों के उपदेश से बलि प्रदान करें। वृक्ष के अधिवासन के समय ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों से अथवा वरुण देवता संबंधी तथा मत्त भैरव संबंधी मंत्रों से होम करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण वृक्ष वेदी पर स्थित कलशों द्वारा वृक्षों और यजमान को स्नान करावे। यजमान अलंकृत होकर ब्राह्मणों को गो, भूमि, आभूषण तथा वस्त्रादि की दक्षिणा दे तथा 4 दिन तक श्रीयुक्त भोजन करावे। इस कर्म में तिल, धृत तथा पलाश समिधाओं से हवन करना चाहिए। आचार्य को दुगनी दक्षिणा दे। मंडप आदि का पूर्ववत निर्माण करें। वृक्ष तथा उद्यान की प्रतिष्ठा से पापों का नाश होकर परम सिद्धि की प्राप्ति होती है।
अब सूर्य, शिव, गणपति, शक्ति तथा श्रीहरि के परिवार की प्रतिष्ठा की विधि सुनिए, जो भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय को बतलाई थी। गणपति पूजन की विधि। भगवान महेश्वर ने कहा, कार्तिकेय, अब मैं विघ्नों के विनाश के लिए गणपति पूजा की विधि बतलाता हूँ, जो संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाली है। गणंजनाय स्वाहा। हृदय एक दष्टांताय हूं फट। सिर अचल कर्णिके नमो नमः। शिखा गजवक्त्राय नमो नमः। कवच महोदराय चंडाय नमः। नेत्र एवं सुदंड हस्ताय हूं फट। अस्त्र हैं। इन मंत्रों द्वारा अंगन्यास करें। गण, गुरु, गुरुपादुका, शक्ति, अनंत और धर्म, इनका मुख्य कमल मंडल के उधरों तथा निम्न दलों में पूजन करें। इवन कमल कर्णिका में बीज की अर्चना करें। तिव्रा, ज्वालिनी, नंदा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, सत्या एवं विघ्ननाशिनी, इन नौ पीठ शक्तियों की भी पूजा करें। फिर चंदन के चूर्ण का आसन समर्पित करें। यम शोषक वायु, रम अग्नि, लम प्लव पृथ्वी तथा वम अमृत का बीज माना गया है। ओम लंबोदराय विघ्नहे महोदराय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात। ये गणेश गायत्री मंत्र है। गणपति, गणाधीप, गणेश, गणनायक, गणक्रीड, वक्रतुंड, एक दंष्ट, महोदर, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशन, धूम्रवर्ण तथा इंद्र आदि दिक्पाल, इन सबका गणपति की पूजा में अंग रूप से पूजन करें। स्नान, संध्या और तर्पण की विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं नित्य नैमित्तिक आदि स्नान, संध्या और प्रतिष्ठा सहित पूजा का वर्णन करूंगा। किसी तालाब या पोखरे से अस्त्र मंत्र फट के उच्चारण पूर्वक 8 अंगुल गहरी मिट्टी खोद कर निकालें, उसे संपूर्ण रूप से ले आकर उसी मंत्र द्वारा उसका पूजन करें। इसके बाद शिरोमंत्र स्वाहा से उस मृतिका को जलाशय के तट पर रखकर अस्त्र मंत्र से उसका शोधन करें। फिर शिखा मंत्र वशट के उच्चारण पूर्वक उसमें से तृण आदि को निकालकर कवच मंत्र हुम से उस मृतिका के 3 भाग करें। प्रथम भाग की जलमिश्रित मिट्टी को नाभि से लेकर पैर तक के अंगों में लगावे। तत्पश्चात उसे धोकर अस्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित हुई दूसरे भाग की दीप्तमती मृतिका द्वारा शेष संपूर्ण शरीर को अनुलिप्त करके दोनों हाथों से कान, नाक आदि इंद्रियों के छिद्र को बंद कर सांस रोक मन ही मन कालाग्नि के समान तेजोमय अस्त्र का चिंतन करते हुए पानी में डुबकी लगाकर स्नान करें। ये मल शारीरिक मैल को दूर करने वाला स्नान कहलाता है। इसे इस प्रकार करके जल के भीतर से निकल आवे और संध्या करके विधि स्नान करें। हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक अंगकुश मुद्रा द्वारा सरस्वती आदि तीर्थों में से किसी एक तीर्थ का भावना द्वारा आकर्षण करके फिर संहार मुद्रा द्वारा उसे अपने समीपवर्ती जलाशय में स्थापित करें। तदनंतर शेष तीसरे भाग की मिट्टी लेकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें और उत्तराभिमुख हो बाई हथेली पर उसके 3 भाग करें। दक्षिण भाग की मिट्टी को अंगन्यास संबंधी मंत्रों द्वारा अर्थात ओम हृदयाय नमः, शिर से स्वाहा, शिखाय षष्ट, कवचाय हूं, नेत्र त्रयाय शोष्ट तथा अस्त्राय फट, इन 6 मंत्रों द्वारा एक बार अभिमंत्रित करें। पूर्व भाग की मिट्टी को अस्त्राय फट, इस मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करें तथा उत्तर भाग की मिट्टी का ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 10 बार जप करके अभिमंत्रण करें। इस तरह पूर्वोक्त मृतिका के 3 भागों का क्रमशः अभिमंत्रण करना चाहिए। तत्पश्चात पहले उन मृतिकाओं में से थोड़ा थोड़ा सा भाग लेकर संपूर्ण दिशाओं में छोड़ें। छोड़ते समय अस्त्रायं फट का जप करता रहे। इसके बाद ओम नमो शिवाय इस मंत्र का तथा ओम सोमाय स्वाहा इस सोम मंत्र का जप करके जल में अपनी भुजाओं को घुमाकर उसे शिव तीर्थ स्वरूप बना दें तथा पूर्वोक्त अंगन्यास संबंधी मंत्रों का जप करते हुए उसे मस्तक से लेकर पैर तक के सारे अंगों में लगा दें। तदनंतर अंगन्यास संबंधी 4 मंत्रों का पाठ करते हुए दाहिने से आरंभ करके बाएं तक के हृदय, सिर, शिखा तथा दोनों भुजाओं का स्पर्श करें तथा नाक,
कान आदि सारे छिद्रों को बंद करके सम्मुखीकरण मुद्रा द्वारा भगवान शिव विष्णु तथा गंगा जी का स्मरण करते हुए जल में गोता लगाए। ओम हृदयाय नमः, शिर से स्वाहा, शिखाय फशिष्ट, कवचाय हूं, नेत्रताय औषट तथा अस्त्राय फट। इन षडंग संबंधी मंत्रों का उच्चारण करके जल में स्थित हो बाएं और दाएं हाथ दोनों को मिलाकर कुंभ मुद्रा द्वारा अभिषेक करें। फिर रक्षा के लिए पूर्वादि दिशाओं में जल छोड़ें। सुगंध और आंवला आदि राजोचित उपचारों से स्नान करें। स्नान के पश्चात जल से बाहर निकलकर सहारिणी मुद्रा द्वारा उस तीर्थ का उपसंहार करें। इसके बाद विधि विधान से शुद्ध संहिता मंत्र से अभिमंत्रित तथा निवृत्ति आदि के द्वारा शोषित भस्म से स्नान करें। ओम अस्त्राय ओम फट, इस मंत्र का उच्चारण करके सिर से पैर तक भस्म द्वारा मल स्नान करके फिर विधि पूर्वक शुद्ध स्नान करें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, गुहक तथा वामदेव तथा सद्योजात संबंधी मंत्रों द्वारा क्रमशः मस्तक, मुख, हृदय, गुहांग तथा शरीर के अन्य अवयवों में उद्धर्तन अनुलेप लगाना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय, निशित काल में, वर्षा के समय और पीछे सोकर, खाकर, पानी पीकर तथा अन्य आवश्यक कार्य करके आग्नेय स्नान करना चाहिए। स्त्री, नपुंसक, शूद्र, बिल्ली, शव और चूहे का स्पर्श हो जाने पर भी आग्नेय स्नान का विधान है। चुल्लू भर पवित्र जल पी लें, यही आग्नेय स्नान है। सूर्य की किरणों के दिखाई देते समय यदि आकाश से जल की वर्षा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ईशान मंत्र का उच्चारण करते हुए सात पग चलकर उस वर्षा के जल से स्नान करें। ये महेंद्र मानक कहलाता है। गवों के समूह के मध्य भाग में स्थित हो, उनके खुरों से खुदकर ऊपर को उठी हुई धूल से इष्टदेव संबंधी मूल मंत्र का जप करते हुए अथवा कवच मंत्र हुम का जप करते हुए जो स्नान किया जाता है उसे पावन स्नान कहते हैं। सद्योजात आदि मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो जल से अभिषेक किया जाता है उसे मंत्र स्नान कहते हैं। इसी प्रकार वरुण देवता और अग्नि देवता संबंधी मंत्रों से भी यह स्नान कर्म संपूर्ण किया जाता है। मन ही मन मूल मंत्र का उच्चारण करके प्राणायाम पूर्वक मानसिक स्नान करना चाहिए। इसका सर्वत्र विधान है। विष्णु देवता आदि संबंध रखने वाले कार्यों में उन देवताओं के मंत्रों से ही स्नान करावे। कार्तिकेय, अब मैं विभिन्न मंत्रों द्वारा संध्या विधि का सम्यक वर्णन करूंगा। भलीभांति देखभाल कर ब्रह्मार्ति तीर्थ से तीन बार जल का मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करें। आचमन काल में आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन शब्दों के अंत में नमः सहित स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्र पाठ करना चाहिए। यथा ओम आत्मत्वाय नमः स्वाहा, ओम विद्या तत्वत्वाय नमः स्वाहा, ओम शिव तत्वत्वाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों से आचमन करने के पश्चात मुख, नासिका, नेत्र और कानों का स्पर्श करें। फिर प्राणायाम द्वारा सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके स्थिरता पूर्वक बैठ जाएं। इसके बाद मंत्र साधक पुरुष मन ही मन तीन बार शिव संहिता की आवृत्ति करें और आचमन एवं अंग न्यास करके प्रातःकाल ब्राह्मी संध्या का इस प्रकार ध्यान करें। संध्या देवी प्रातःकाल ब्रह्म शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। हंस पर आरूढ़ हो कमल के आसन पर विराजमान है। उनकी अंग कांति लाल है। वे चार मुख और चार भुजाएं धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथों में कमल और स्फटिकाक्ष की माला तथा बाएं हाथों में दंड तथा कमंडलु शोभा पाते हैं। मध्याह्न काल में वैष्णवी शक्ति के रूप में संध्या का ध्यान करें। वे गरुड़ की पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर विराजमान है। उनकी अंग कांति श्वेत है। वे अपने बाएं हाथों में शंख और चक्र धारण करती हैं तथा दाएं हाथों में गदा एवं अभय की मुद्रा से सुशोभित हैं। सायंकाल में संध्या देवी का रुद्र शक्ति के रूप में ध्यान करें। वे वृषभ की पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर बैठी हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे मस्तक पर अर्धचंद्र के मुकुट से विभूषित हैं। दाहिने हाथों में त्रिशूल और रुद्राक्ष धारण करती हैं और बाएं हाथों में अभय एवं शक्ति से सुशोभित हैं। वे संध्याएं कर्मों की साक्षिणी हैं। अपने आप को उनकी प्रभा से अनुगत समझो। इन तीन के अतिरिक्त एक चौथी संध्या है जो केवल ज्ञानी के लिए है। उसका आधी रात के आरंभ में बोधात्मक साक्षात्कार होता है। ये तीन संध्याएं क्रमशः हृदय, बिंदु और ब्रह्मरंध्र में स्थित हैं।
चौथी संध्या का कोई रूप नहीं है, वो परम शिव में विराजमान है, क्योंकि वो शिव सबसे परे है, इसीलिए इसे परमा संध्या कहते हैं। तर्जनी अंगुली के मूल भाग में पितरों का, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति का, अंगुष्ठ के मूल भाग में ब्रह्मा का और हाथ के अग्र भाग में देवताओं का तीर्थ है। दाहिने हाथ की हथेली में अग्नि का, बाईं हथेली में सोम का तथा अंगुलियों के सभी पूर्वों एवं संधियों में ऋषियों का तीर्थ है। संध्या के ध्यान के पश्चात शिव संबंधी मंत्रों द्वारा तीर्थ जलाशय को शिव स्वरूप बनाकर आपोहिष्टा इत्यादि संहिता मंत्रों द्वारा उसके जल से मार्जन करें। बाएं हाथ पर तीर्थ के जल को गिराकर उसे रोके रहें और दाहिने हाथ से मंत्र पाठ पूर्वक क्रमशः सिर का सेचन करना मार्जन कहलाता है। इसके बाद अधमर्षण करें। दाहिने हाथ के दोने में रखे हुए बोधरूप शिवमय जल को नासिका के समीप ले जाकर बाईं इडा नाड़ी द्वारा सांस को खींच कर रोके और भीतर से काले रंग के पाप पुरुष को दाहिनी पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकालकर उस जल में स्थापित करें। फिर उस पाप युक्त जल को हथेली द्वारा वज्रमयी शिला की भावना करके उस पर दे मारें। इससे अधमर्षण कर्म संपन्न होता है। तदनंतर कुश पुष्प अक्षत और जल से युक्त अर्धांजलि देकर उसे ओम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से भगवान शिव को समर्पित करें और यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें। अब मैं तर्पण की विधि का वर्णन कहूंगा। देवताओं के लिए देवतीर्थ से उनके नाम मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करें। ओम हुम शिवाय स्वाहा ऐसा कहकर शिव को तर्पण करें। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उनके स्वाहा युक्त नाम लेकर जल से तृप्त करना चाहिए। ओम हाम हृदयाय नमः, ओम हुम शिरसे स्वाहा, ओम हुम शिखाय वशट, ओम है कवचाय हुम, ओम हौ नेत्रत्राय वशट, ओम हम अस्त्रत्राय फट। इन वाक्यों को क्रमशः पढ़कर हृदय सिर शिखा कवच नेत्र एवं अस्त्र विषयक न्यास करना चाहिए। आठ देवगणों को उनके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर तर्पार्ण जल अर्पित करना चाहिए। यथा ओम आदित्येभ्यो नमः, ओम हाम वसुभ्यो नमः, ओम हा रुद्रभ्यो नमः, ओम हाम विश्वभ्यो नमः, ओम हाम मरुद्भ्यो नमः, ओम हाम भृगुभ्यो नमः, ओम हाम अंग्रेभ्यो नमः। तत्पश्चात जनेऊ को कंठ में माला की भांति धारण करके ऋषियों का तर्पण करें। ओम हाम अत्रये नमः, ओम हाम वशिष्ठाय नमः, ओम हाम पुलस्तये नमः, ओम हाम कृतवे नमः, ओम हाम भरद्वाजाय नमः, ओम हाम विश्वत्मित्राय नमः, ओम हाम प्रचेते से नमः, ओम हाम मरिचये नमः। इन मंत्रों को पढ़ते हुए अत्रि आदि ऋषियों को ऋषि तीर्थ से एक एक अंजलि जल दें। तत्पश्चात सनकादि मुनियों को दो दो अंजलि जल देते हुए निम्नांकित मंत्र वाक्य पढ़ें। ओम हाय सनकाय वशट, ओम हाय सनंदनाय वशट, ओम हाय सनातनाय वशट, ओम हाय सनत कुमाराय वशट, ओम हाय कपिलाय वशट, ओम हाय पंचशिखाय वशट, ओम हाय ऋतभवे वशट। इन मंत्रों द्वारा जुड़े हाथों की कनिष्ठकाओं के मूल भाग से जलांजलि देनी चाहिए। ओम हां सर्वभ्यो भुवत्तेभ्यो वशट इस मंत्र से वशट स्वरूप भूतगणों का तर्पण करें। तत्पश्चात यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर करके दूहरे मुड़े हुए कुश के मूल और अग्रभाग से तिल सहित जल की तीन तीन अंजलियां दिव्य पितरों के लिए अर्पित करें। ओम हाय कव्य वाहनाय स्वधा, ओम हाय अनलाय स्वधा, ओम हाय सोमाय स्वधा, ओम हाय यमाय स्वधा, ओम हाय अरम्णे स्वधा, ओम हाय अग्निश्यवातभ्ये स्वधा, ओम हाय वर्षदभ्य स्वधा, ओम हाय आजभ्ये स्वधा, ओम हाय सोमप्ये स्वधा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण कर विशिष्ट देवताओं की भांति दिव्य पितरों को जलांजलि से तृप्त करना चाहिए। ओम हाय ईशानाय पित्रे स्वधा कहकर पिता को, ओम हा पितामहाय स्वधा कहकर पितामह को तथा ओम हाय शांत प्रपितामहाय स्वधा कहकर प्रपितामह को भी तृप्त करें। इसी प्रकार समस्त प्रेत पितरों का तर्पण करें। इन वाक्यों को पढ़ते हुए क्रमशः पितरों पितामहों वृद्ध प्रपितामहों माताओं मातामहों प्रमातामहों वृद्ध प्रमातामहों सभी पितरों सभी ज्ञानी जनों सभी आचार्यों सभी दिशाओं दिक्पतियों सिद्धों मातृकाओं ग्रहों और राक्षसों को जलांजलि दें।